सिर उड़ाने की बात करें तो आसमा अपनी फैमिली से मिलती तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आलिया पर शक हो चुका है आसमा को कि आसमा कुछ ऐसा है जो छुपा रही है। ऐसे घर वाले भी कहते हैं कि आलिया की शादी करवानी है, लेकिन यहाँ पर नानू जो है यानी कि रूपी सिंह, वो कहते हैं कि आलिया किसी न किसी को पसंद तो जरूर करती है। अब आसमा को जब आलिया समझ कर अरमान पकड़ता है, और अब तब आसमा जो है ये जानने की कोशिश करेगी आलिया से कि आखिर मैटर क्या है। दोनों बाहर मिलते हैं जहाँ पर आसमा आलिया से पूछती है, लेकिन आलिया साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे मैटर में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताते चले कि उधर हरलीन काफी चिंता में है, उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसकी बेटी एकम से न टकरा जाए, वो इसी चिंता में है। और आपको बताते चले कि अब जो है हरलीन की वापसी इंडिया में होने वाली है। हालांकि यहाँ पर आलिया और अरमान जो है वो कनाडा जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, यहाँ पर आसमा जो है वो आलिया की हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर आलिया को ऐसा लगता है कि आसमा कहीं उससे उसका प्यार न छीन ले, इसलिए उसने साफ मना कर दिया है। यहाँ पर अब जो है आसमा आलिया के बारे में जो है वो बताने की कोशिश करेगी घर वालों को, क्योंकि अब आसमा को सब सच पता चल गया है कि वो प्यार करती है किसी से, और ऐसे में उसकी शादी उसी शख्स से कराई जाए जिससे कि वो प्यार करती है। देखना दिलचस्प ये होता है कि इन सब के चक्कर में कहीं आसमा फंस जाएगी और क्या होगा उसके साथ, क्योंकि बहुत जल्द हरलीन की भी वापसी इंडिया यानी कि मोगा में होने वाली है।